नमस्कार। किसी शायर ने कश्मीर की तुलना स्वर्ग से की है। कश्मीर एक वैसा स्वर्ग है जिसे जीते जी सभी को चाहिए, लेकिन मरने के बाद कोई नहीं चाहता। कश्मीर की तुलना स्वर्ग से करना ठीक है। वहाँ की पर्यावरण, वहाँ का प्राकृतिक जो वातावरण है, वहाँ की खूबसूरत वादियाँ हो गई, उसको लेकर के इतना सोच करके कश्मीर का अगर विश्लेषण किया जाए तो वो गलत है। आज इस वीडियो में मैं कश्मीर का और अच्छी तरीके से विश्लेषण करना चाहूँगा और आपको समझाऊँगा कि आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद जो स्पेशल स्टेटस दिया जाता था जम्मू एंड कश्मीर के लिए, अब उसको राज्य से निकाल करके अब यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया है। अगर कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होता, अगर भारत कश्मीर को छोड़ देता, तो भारत के लिए कितनी मुश्किलें होती। और दूसरा केस ये भी है कि अगर कश्मीर एक इंडिपेंडेंट नेशन होता, इंडिपेंडेंट कंट्री होता, स्वतंत्र देश होता, तो भारत के लिए क्या खतरा था और पाकिस्तान के लिए क्या होता, इस चीज़ को समझेंगे इस वीडियो में। चलिए, बहुत छोटा वीडियो है, समझते हैं इसको मात्र दो पॉइंट में। पहला पॉइंट यह है कि कश्मीर अगर भारत का हिस्सा नहीं होता या फिर भारत कश्मीर को छोड़ देता, तो भारत के लिए क्या हो सकता था, इसको समझिए। भारत कश्मीर को छोड़ने का जोखिम कभी नहीं उठा सकता, क्योंकि कश्मीर को छोड़ने का मतलब है लाइन ऑफ कंट्रोल और उसके आसपास के इलाकों में हिमालय के पहाड़ से जो जितना कवच जैसी सुरक्षा थी वो सब चली जाती या फिर छिन जाती। क्योंकि देखिए, मैं आपको समझाता हूँ कि कश्मीर के बाद का जो इलाका है वो पूरा प्लेन है, फ्लैट है, समतल है। अगर कभी वॉर की सिचुएशन होती है तो आसानी से दुश्मन देश वहाँ अपने सैनिकों के साथ भारत के अंदर तक के हिस्से में बड़ी आसानी से घुस जाएंगे और वहाँ से दिल्ली महज 400-450 किलोमीटर के दायरे में आ जाती है। इसे आप एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं आपको। देखिए, जब एशिया और यूरोप के बीच जितने भी बिजनेस डील्स हुआ करते थे, जितने भी ट्रेड हुआ करते थे, वो एक रूट को फॉलो करते थे, उस रूट के थ्रू जाते थे, वो था सिल्क रूट के थ्रू। ये वही सिल्क रूट है जो चाइना और पाकिस्तान के बीच कश्मीर से होकर के गुजरता है, और इसी रूट का इस्तेमाल ज़्यादातर भारत पर हमला करने के लिए किया गया है और हमने पास्ट में देखा भी है। चाइना इसे वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट से जोड़ने के लिए अपने पुरजोर कोशिश कर रहा है, लेकिन इंडिया ऐसे अपनी डिप्लोमेसी से हैंडल करता आ रहा है और इस प्रोजेक्ट को बड़े ही चालाकी से अभी डिनायल मोड पे डाला हुआ है, यानी कि इस प्रोजेक्ट पर किसी तरह की सहमति नहीं दी है। चाइना पर भरोसा करने से अच्छा है कि हम एक बार मोदी जी के भाषणों पर ही भरोसा कर लें। देखिए, पाकिस्तान और चाइना इंडिया के लिए क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं, ये दुनिया के सामने है और हमारे सामने भी है, अपने इतिहास भी देख सकते हैं। अब देखिए, पाकिस्तान और आपका चाइना दोनों एक अच्छे दोस्त हैं। इस बात का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं, जब कोई भी देश जब पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं होता तो बाय डिफ़ॉल्ट चाइना उसके साथ खड़ा हो जाता है। जैसे कि लेटेस्ट एग्जांपल है यूएन में कश्मीर का मुद्दा ले जाना, चाइना ने उसका सपोर्ट किया था। अब देखिए, 1960 में हुआ क्या था। 1960 में इंडिया और चाइना के बीच जब सीमा को लेकर विवाद हुआ था, तो कुछ सालों बाद यानी कि 5 साल बाद ही 1965 में पाकिस्तान ने सिल्क रूट को खोल दिया था, जिसके चलते चाइना और पाकिस्तान के बीच में बिजनेस एक्सपेंशन में बहुत मदद मिली थी। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में गिलगिट में एक एयरपोर्ट भी है जिसका पूरा कंट्रोल चाइना के हाथ में है, यानी कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाइना ने किया है। चाइना यहाँ से भारत के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है और भारत के अंदरूनी हिस्से तक पहुँच सकता है, इसीलिए हिमालय के पहाड़ से जो उसे कवच है वो बना रहेगा तो देश सुरक्षित हाथों में रहेगा, इसकी गारंटी है। दूसरी बात ये भी है कि सियाचिन ग्लेशियर एक ऐसा इलाका है, एक और इलाका है जो भारत के लिए कश्मीर को अहम बनाता है, और राहत देने वाली बात यह है कि उस पर अभी भारत का कंट्रोल है, इंडिया का कंट्रोल है। एक ऐसा इलाका है जहां अगर पाकिस्तान और चाइना आर्मी मिल जाए, अगर दोनों की सेनाएं मिल जाएं, तो भारत के नॉर्दर्न जो फ्रंट है उस पर खतरा पड़ जाएगा एक ही झटके में। कश्मीर में बहने वाली नदियों में सिंधु एशिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। ये तिब्बत के पठारों से निकल करके मानसरोवर की झील होते हुए लद्दाख के रास्ते गिलगिट बाल्टिस्तान से गुजरते हुए पाकिस्तान में चली जाती है और आगे चल करके अरब सागर में जाके मिल जाती है। अब इस इलाके से झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज भी इस इलाके से निकलने वाली बड़ी नदियों में से हैं। 1960 में इंडिया पाकिस्तान के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था, उसमें व्यास, सतलुज और रावी का जो पानी है उस पर भारत का एकाधिकार रहेगा, जबकि एशिया की सबसे बड़ी नदी सिंधु, चेनाब और झेलम का पानी पाकिस्तान को दिया जाएगा। अब देखिए, पाकिस्तान को भले ही 3 नदियों का पानी मिलता हो, लेकिन
गुजरता तो कश्मीर से होकर ही है। अगर विवाद की स्थिति होती भी है तो भारत इसका इस्तेमाल कर सकता है, ये इंडिया के लिए एक पॉलिटिकल एडवांटेज है। कश्मीर अगर इंडिपेंडेंट नेशन होता, कंट्री होता, स्वतंत्र राज होता, तो एक उग्र मुस्लिम चरमपंथियों की जमीन बन सकता था, जो साउथ एशिया के साथ साथ बाकी के मुल्कों को परेशान कर सकता था। और साथ ही एक समय ये भी आता कि फॉरेन कंट्रीज को भी वहां दखल देने का न्योता मिल जाता कि आप आइए और मामले को सुलझाइए। अगर जब विदेशी ताकतों का दखल होने लगता तो एक ना एक दिन उसका कंट्रोल भी उस पर होने लगता। इंडिया पाकिस्तान को सिंधु के अलावा झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज भी इसी इलाके से निकलने वाली नदियां हैं। ये दोनों ही देशों के लिए बेहद जरूरी हैं, महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि देखिए इन नदियों के पानी के बिना भारत का पंजाब और पाकिस्तान के आधे से ज़्यादा हिस्सा प्यासा रह जाएगा। पीने के लिए पानी, इरिगेशन के साथ साथ यही पानी कई हाइड्रो पावर का भी मेन सोर्स होता है। कश्मीर का इंडिपेंडेंट नेशन होना और ऐसी परिस्थिति होने के बाद फिर दोनों देशों को बहुत कुछ झेलना पड़ता, ना जाने कैसे कैसे एग्रीमेंट पे साइन कराए जाते और कितना मुश्किलें पैदा हो सकती थी। और तो हम कह सकते हैं कि कश्मीर के लिए भारत सिर्फ एक खूबसूरती का मसला नहीं है, ये एकमात्र स्वर्ग नहीं है, ये वो एक मजबूत धागा है जिससे अलग अलग हिस्सों को उसके साथ जोड़ा रखा है और जिसके ना होने पर उसकी एकजुटता का खतरे में पड़ जाएगी। एक छोटा सा एनालिसिस मैंने आपके सामने पेश किया, अगर आप चाहें तो इसको अपने परिवार दोस्तों के बीच इसको दे सकते हैं, समझा सकते हैं। अगर ऐसा कुछ इनके मन में विचार आया है, इंडिपेंडेंट नेशन क्यों नहीं बनता, हम पाकिस्तान को दे क्यों नहीं देते कश्मीर, या कश्मीर हम ले क्यों नहीं देते, हम कश्मीर छोड़ क्यों नहीं देते हैं, तो इसका सटीक सा जवाब यह है। छोटा सा, आप चाहें तो मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। INI न्यूज़ इंडिया को डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टा, मोजो और पेट्रियन का, जिस पर चाहें आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते, नमस्कार।